देख रही हो कि कितनी खुश हो तुम। ऐसे हमेशा मुस्कुराती रहना। लड़कियों के अंदर ये जो जिंदगी का चाव होता है ना, बहुत टाइम बाद तुम्हारे फेस पे दिख रहा है। हमेशा अपनी लाइफ को ऐसे एंजॉय करना। जिसकी भाभी इतनी अच्छी हो वो खुश कैसे नहीं हो सकती। तू यहाँ अचानक चली गया? भागन भाभी। हाय निमिषा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाभी। मैं चाय लेके आती हूँ। ओके। अंकल, आई थिंक ये डिजाइन परफेक्ट है। अब हमें आगे के काम पे ध्यान देना चाहिए। ये है लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स जिनको हमने प्रेजेंटेशन दिया है और ये रहेगा ओवरऑल बजट। अरे यार, ये लैपटॉप की बैटरी अभी जानी थी। सॉरी अंकल, मैं लैपटॉप का चार्जर घर पर ही भूल आया हूँ। अनंत के पास भी सेम कंपनी का लैपटॉप है, उसका चार्जर इस पे काम करेगा। तुम जाकर ले लो। अच्छा, तो मैं लेकर आता हूँ। रुको रणवीर, क्या हुआ निमी? वो पापा, आप लोग काम के बीच में क्यों उठते हो? वैसे भी मैं भाभी के रूम में जाने ही वाली थी नेल पेंट लेने के लिए। मैं चार्जर ले आती हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। ओके ओके पापा। थैंक्स निमिषा। हरि ओम प्रभु जी। हाय, अब कैसा लग रहा है बुआ जी? देख नहीं रहे हम करा रहे। दोनों बीमार को चाय भी नहीं पूछता। जाओ रमा, हमरे लिए अदरक वाली कड़क चाय बना कर लो। हाय, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छी खबर है ना, रणबीर संजय चाचा जी के साथ मिलके काम कर रहा है। मुझे कोई मतलब नहीं है नव्या कि वो क्या कर रहा है या क्या नहीं। उससे जो करना है करे, आई डोंट केयर। रित्स, तू ये कैसी बातें कर रही है? रणबीर गलत नहीं है नव्या। रणबीर इज अ चीट। वो इंसान ही गलत है। हुआ हुआ कुछ है नहीं, और सेवा और मेवा पूरा चाहिए। अभी मजा चखाते हैं। बुआ दादी चाय। सुन तो सही, थोड़ी देर बैठ, बातें कर। नव्या, मुझे रणवीर के बारे में कोई बात नहीं करनी, और सच में बहुत काम है। तुझे बाहर तक छोड़ सकती हूँ? चल। नमस्ते बुआ दादी। क्या बात है रितिकिया, बहुत दिन बाद आई। ये घर का रास्ता भूल गई का? नहीं, वो एक्चुअली बुआ दादी मैं समझते हैं हो, कोनो बात नहीं। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। काहे से कि और लोग भी तो घर में आए जाए रहे हैं। चाबी अंदर ही भूल गया। बहुत देरी, मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते बुआ दादी। लो, भूल गया तो भंवरा भी चला।